लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, अभी हम तक ये बात नहीं पहुंची है, पर ये बात हम तक पहुंच चुकी है। और अब ये जब हमारे घरों में ये होगा, जब हम लोगों के बच्चों को मारा जाएगा, हमें मारा जाएगा, तब जाके ही हम उठेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और गवर्नमेंट को इसको वापस लेना चाहिए और ये जो एजेंडा है इनका एंटी मुस्लिम जो एजेंडा है इनको खत्म कर देना चाहिए। अब मोदी जी ने संविधान में और प्रेसिडेंट के साइन से जो बिल पास किया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उनके अगेंस्ट में, उनके विरोध में आज मैं यहाँ प्रदर्शन करने आया हूँ। सीएए एक तानाशाही कानून है। आपको ये चेतावनी है, ये कोशिश भी मत कीजिएगा कि हम नागरिक एक दूसरे का धर्म पूछे, हम नागरिक एक दूसरे का धर्म पूछ के एक दूसरे से नफरत करे, ये होने वाला नहीं है प्रधानमंत्री जी। हमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और अलग अलग जुट यहाँ पे, अलग अलग जो गुट है, अलग अलग कलेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट्स कलेक्टिव्स हैं, सिविल सोसाइटी कलेक्टिव्स हैं, वो यहाँ पे प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी फिलहाल संविधान पे बहुत बड़ा अटैक हो रहा है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया है जो कि सेक्युलरिज्म, एथोस और इंडिजीनियस ग्रुप्स दोनों के खिलाफ है। इससे पहले 370 हटा दिया गया कश्मीरी लोगों के खिलाफ, कश्मीरी लोग 150 दिन से ज़्यादा बिना इंटरनेट के जी रहे हैं। तो हम यहाँ बार बार रीइटरेट करने आए हैं कि हमारा आप संविधान नहीं बदल सकते हैं। एक्सक्लूडिंग एन एंटायर कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स, वी स्टैंड फॉर सेक्युलरिज्म, वी स्टैंड फॉर इक्वालिटी, वी डू नॉट स्टैंड फॉर एक्सक्लूजन। ये धर्म के आधार पे जो इस देश का नागरिकता तय करने के लिए सरकार ने अपना मन बना लिया है, ये 1947 में जो भारत बना है उसके विरोध में है। ये हम लोग कोई इस्लामिक या हिंदू नेशन नहीं बने हैं, बल्कि एक सेक्युलर इंसानियत के नाम पे हम लोगों ने नागरिकता चुना है। आज जो असली मुद्दों को छुपाते हुए पैसों को देश को बांटने में जिस तरीके से सरकार ने पूरी रणनीति बनाया है, ये शर्मनाक है। इसके खिलाफ हम लोग हर कैंपस में लड़ रहे हैं। एट द पार्ट ऑफ अ प्रीएम्बल, इट इज़ वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू गो अगेंस्ट द बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई कंप्लीटली सपोर्ट द प्रोटेस्ट दैट हैव इरप्टेड ऑल अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट द बिल। पीपल इन इंडिया आर कमिंग, हैव डिफरेंट रिलीजियंस, दे हैव डिफरेंट ओरिजिन्स, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट आई थिंक व्हाट्स मेक them united is that secularism, is that regardless of your religion, of your language, of your caste, you are a member of, I think you are a citizen, Indian citizen, and that's what makes practically India great, I think, to my point from France. And what is going on now is that people from the Muslim community won't be considered as equal, they won't be considered as Indian citizen, and that's the main, the common values of India, which is attacked now. यहाँ पे एक ही इनका एजेंडा है, किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो एक एक कदम करके ये बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट का तो एजेंडा ही यही है भैया, जब हमने ये गवर्नमेंट को वोट दिया था, इनका तो एजेंडा ही वही था। गुजरात में लोग क्या करके आए थे, हम लोग सोच भी कह रहे थे कि आगे हमें विकास देंगे, ये सारा हमारे रिसोर्सेज खाने के लिए आए, हमें हिंदू मुसलमान बोल बोल के लड़ाएंगे हम दोनों में और सारी कम्युनिटीज ऐसे ही लॉस हो गई। ये वो लोग हैं जो सावरकर को अपनी देशभक्ति का प्रेरणा मानते हैं, और सावरकर और इनके जो पूरी देशभक्ति का पूरा जो कंसेप्ट है वो भारत के संविधान के विरुद्ध खड़ा हुआ है। ये लोग देशभक्ति एंटी नेशनल की बात करते हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में इस देश से गद्दारी की थी। इनकी देशभक्ति को 5,000 करोड़ के स्टैचू चाहिए होते हैं, हमें नहीं चाहिए। दिल्ली की यूथ इतनी नहीं है जितनी इंडिया गेट पे दिख रही है, इससे कहीं ज्यादा है, ये भर जाए तब भी कहीं ज्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अननोन से कि प्लीज कम हेयर और आवाज उठाइए। सरकार की सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे और रेप्स जो हो रहे हैं, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स हो रहे हैं, उनको ख़त्म करेंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इकोनॉमी इज़ डाइंग, अनएम्प्लॉयमेंट जो है पिछले 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी, और अब वो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे लिए ये सब लॉज डाल रहे हैं, ताकि हम सब जो है इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करते रहे और अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस पर कोई फोकस ही ना करे। मैं JNU से हूँ, हम तो पहले से एक एंटी नेशनल, हमें एक धप्पा लगाया गया है। दूसरी बात, मैं नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल से हूँ, और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में जो बरसों से हो रहा है सिंस 1947, पूरा इंडिया को उनके बारे खबर ही नहीं है। अगस्त 5 में अगर कश्मीर में जो शुरू हुआ और जो 140 डेज का भी जो
इंटरनेट बैन है उसके खिलाफ भी गवर्नमेंट ने जो रिप्रेशन कर रखा है इंडिया को मालूम ही नहीं है। इन द सेम वे जब पिछले हफ्ते असम में जब ये अनरेस्ट शुरू हुआ, 5 लोग अभी कुल यू नो टोटली मर चुके हैं और त्रिपुरा में तो बहुत ज़्यादा है जिसका रिपोर्ट नहीं भी आ रहा है। इन सब को छुपाने के लिए जो गवर्नमेंट ने असम की मीडिया के ऊपर में जो हाथापाई किया है, उनके बिल्डिंग को तोड़ा है और उनको जो INB से एक इन्फॉर्मेशन गई है कि न्यूज़ बाहर ना जाइए, सो कॉल्ड एंटी नेशनल है, ये सरासर फ्रीडम ऑफ प्रेस पर एक बहुत बड़ा अटैक है जो हमने 1980s में भी 70s और 80s में भी इंदिरा गांधी के टाइम में देखा था। मतलब पीसफुली गैदर होके किसी भी विषय के बारे में बोलना, अपना एक्सप्रेशन रखना, वो तो एंटी नेशनल नहीं है। यू नो लाइक वी हैव टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म, ब्रदरहुड, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, प्रिजर्विंग आवर एनवायरनमेंट, दे आर बिगर इश्यूज यू नो। एंड आपको पता है एवरी डे वुमेन इन आवर कंट्री आर फेसिंग थ्रेट, मतलब देयर आर मेनी मोर इश्यूज दैट हैज टू बी डेल्ट। NRC वी हैव सीन इट हाउ इट हैज इन असम आल्सो फंक्शनड when the same dispensation found that the results were not in their favor, they started opposing the NRC because their idea is to continue to polarize the situation, continue to create fear in the minorities as far as it's concerned. And we see the CAP as this in the same way. Uttar Purvanchal ne zarur rasta dikhaya hai Bharat ko, kyunki pure Bharat mein hum alag alag pranton mein dekh pa rahe hain abhi sarkar ke khilaf NRC और नेशनल NRC और CAA के खिलाफ प्रतिरोध जारी है। अगर देश की ज़्यादातर जनता ये साबित नहीं कर सकती कि वो इस देश में पैदा हुई है, वो इस देश में रही है, पली बड़ी है, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो बाहर से आई है, तो उसके पास साबित करने का कोई तरीका ही नहीं। गरीब आदमी उठा है, मिडिल क्लास उठी, टीचर्स उठे हैं, किसान उठे, हर तरफ लोग उठे हैं। ये जमानत, ये गारंटी है कि आज भी देश में वो शक्तियां कहीं ज़्यादा मजबूत हैं जो इस देश की डेमोक्रेसी को बचाएंगी। बट हियर दे आर ट्राइंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज द रिलीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर एम्बेडिंग इट इन अ मैनर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इटसेल्फ व्हिच वाज अबहोरेंट। दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड आई होप बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, एंड दे विल गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, एंड आई होप द सुप्रीम कोर्ट जॉइंस अस इन दिस पर्टिकुलर एफर्ट। बट इवन इफ सुप्रीम कोर्ट जॉइंस और नॉट, वी आर हेयर ऑन द स्ट्रीट टू चैलेंज दैट पर्टिकुलर आइडिया। Take this message to the people of this country. 5-6 साल का जो पूरा उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इनको गद्दी से उतार के फेंकने के बाद ही ये रोष जो है वो खत्म होगा। सबसे बड़ा हथियार जो गांधी हमको दे करके गए हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट है और उससे एक कदम आगे बढ़ करके सिविल डिसोबीडियंस, बहिष्कार करना, सरकारों का बहिष्कार करना। हम ये जानते हैं कि इस देश की जनता ने अंग्रेजों की सत्ता को, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उसको निकाल बाहर फेंका। ये फैशिस्ट यहाँ मैं मानता हूँ टिक नहीं पाएंगे। संविधान की बात सबको सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो सरकार बदल जाती है और वो सरकार बदलने में जनता को ज़्यादा समय नहीं लगता।